सुप्रिया, जिन्होंने आज एक इंटरव्यू लिया अशोक गहलोत का, अशोक गहलोत साहब इस बैठक का हिस्सा बनने जा रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी जो है वो भी 80 के दौर में 2 सीटें पाई थी, गांधी परिवार का कोई इसमें रोल नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट जब इस बैठक से पहले आते हैं तो इनको लेकर क्या एनालाइज हम करें, क्या माना जाए कि, क्योंकि इसके बाद कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी सवाल खड़े करते हैं। देखिए बिल्कुल, और इस बार वही हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर से जो आवाज है वही लोग आके बाहर कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी जो मैनेजमेंट है, इलेक्शन मैनेजमेंट को चेंज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि क्या वो चीज है जो बार बार कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा है। 2019 के बाद से हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा स्टेट का चुनाव नहीं है जहां पे कांग्रेस ने अच्छा ऐसा कोई रिजल्ट लाया है। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं आज बहुत सीरियस डिसीजंस लिए जाएंगे, लेकिन ये पहले भी कहा जा चुका है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग्स पहले भी हुई है, लेकिन इस बार अलग क्या होगा उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि G23 के जो लीडर्स है, जो कांग्रेस के ही नेता G23 के हैं, उन्होंने ये बहुत कठोर तरीके से कहा है कि इस बार जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट की जो पद खाली पड़ी है उसके लिए उनको डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो सोनिया गांधी जी है वो इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर कांग्रेस की जो डिसीजन है वो संभाल रही है। ठीक है श्रेया, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम भी लगातार इस पर नजर बनाए रखे रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे।